ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो नंबर 31 31वां वीडियो है महर्षि रामना से बातचीत का। ये वीडियो हम शुरू करते हैं बातचीत संख्या नंबर 372 से। भक्त रोमांच गदगद स्वर आनंद के आंसू आदि का आत्म विद्या विलास तथा अन्य ग्रंथों में वर्णन आया है। क्या यह समाधि में अथवा पहले अथवा बाद में होते हैं? मैंने कल ही आत्म विद्या विलास पर वीडियो बनाया है। महर्षि, यह सब मन की अत्यंत सूक्ष्म वृत्तियों के लक्षण हैं। बिना द्वैत के यह नहीं रह सकते। समाधि पूर्ण शांति की अवस्था है जहाँ इनके लिए कोई स्थान नहीं। समाधि से बाहर आने पर उस अवस्था की स्मृति से यह लक्षण उदय होते हैं। भक्ति मार्ग में यह समाधि से पहले होते हैं। भक्त, क्या ज्ञान मार्ग में वे इस प्रकार नहीं हैं? महर्षि, संभव है। इस विषय में कुछ निश्चितता नहीं है। यह व्यक्तिगत स्वभाव पर निर्भर है। व्यक्तित्व के पूर्णतया नष्ट होने पर यह लक्षण नहीं रह सकते। यदि व्यक्तित्व का तनिक भी लेस होगा, यह लक्षण प्रकट होंगे। मानिक वचागर तथा अन्य संतों ने इन लक्षणों का वर्णन किया है। उनके अनुसार अश्रु धारा स्वतः ही बिना रुके प्रवाहित होती रहती है। अश्रुओं का भान होते हुए भी वे उनको रोक नहीं सकते। जब मैं विरूपाक्ष गुफा में रहता था तब मुझे भी यही अनुभव हुआ था। भक्त, सुषुप्ति की अवस्था को आनंद का अनुभव कहा गया है, तथापि इसका स्मरण कर रोमांच नहीं होता। समाधि का स्मरण करने पर ऐसा क्यों होता है? महर्षि, समाधि का अर्थ है जागृत अवस्था में सुषुप्ति। जागृत सुषुप्ति आनंद अत्यधिक है तथा अनुभव बहुत स्पष्ट होता है, जबकि सुषुप्ति में यह भिन्न होता है। भक्त, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि सुषुप्ति में न दुख है और न सुख अर्थात अनुभव निषेधक है न निश्चयात्मक? महर्षि, किंतु स्मृति निश्चयात्मक है। मैं आनंद से सोया, मनुष्य कहता है, इसे निश्चय होता है कि सुषुप्ति में आनंद का अनुभव था। भक्त, क्या केवल दुख के अभाव को आनंद कहते हैं अथवा यह कुछ निश्चयात्मक है? महर्षि, यह निश्चयात्मक है। दुख की निवृत्ति तथा आनंद की प्राप्ति एक साथ होती है। भक्त, क्या ऐसा है कि सुषुप्ति के आनंद की स्मृति स्पष्ट न होने से रोमांच आदि नहीं होता? महर्षि, समाधि के अनुभव का पूर्णतया स्पष्ट होता है। समाधि के आनंद का अनुभव पूर्णतया स्पष्ट होता है तथा इसकी स्मृति भी
इसी प्रकार होती है, परंतु सुषुप्ति का अनुभव भिन्न प्रकार का है। 28 फरवरी 1937 बातचीत संख्या नंबर 373। हिज हाइनेस महाराजा मैसूर ने प्रातःकाल 9:15 से 9:30 तक श्री भगवान से नवनिर्मित स्नानागार में निजी भेंट की। महाराजा ने श्री भगवान के चरण कमलों में सिर टेक कर प्रणाम करते हुए कहा, मुझे श्री भगवान के जीवन चरित्र को पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं बहुत समय से उनके दर्शन का इच्छुक था, किंतु मेरी परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो इस तरह की आकांक्षाओं की पूर्ति सरलता से नहीं होने देती। अपनी समस्त मर्यादाओं के कारण मैं अन्य शिष्यों की भांति यहाँ ठहर भी नहीं सकता। जो 15 मिनट में यहाँ रहूँगा उसमें केवल आपके अनुग्रह की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करूँगा। विदा लेते समय हिज हाइनेस ने श्री भगवान को पूर्ववत प्रणाम किया तथा दो उत्तम दुसाले कुछ धनराशि कार्यालय को भेंट कर पधार गए। 13 मार्च 1937 बातचीत संख्या नंबर 374। त्रावणकोर के महाराजा ने संध्या के 4:15 से 5:15 तक भेंट की। त्रावणकोर के महाराजा जो महारानी सहित तिरुवन्नमलाई प्रातःकाल 8 बजे की ट्रेन से पधारे थे, 4:15 सायंकाल आश्रम में दर्शन हेतु आए। जिस कक्ष में श्री भगवान विराजमान थे वहां से जनता को बाहर कर दिया गया था। एक दुखजनक भूल के कारण प्रतिदिन आने वाले भक्तों को भी उस भेंट के समय बाहर कर दिया गया था। एक अवकाश प्राप्त जिलाधीश ने राज्य परिवार का श्री भगवान से परिचय कराया। हिज हाइनेस के 2 ADC महाराजा के व्यक्तिगत सचिव, त्रावणकोर राज्य के कुछ अधिकारी तथा मैलापुर के एक वकील उपस्थित थे। चर्चा का प्रारंभ जिलाधीश ने किया, जो मन ध्यान साक्षात्कार सृष्टि का अभिप्राय आदि विशाल विषयों पर चलती रही। महारानी ने अपने संशयों को प्रकट करते हुए कुछ प्रश्न किए, जिन सब का श्री भगवान ने समाधान किया। हिज हाइनेस महाराज ने भी चर्चा में भाग लिया। पूरी वार्ता तमिल तथा मलयालम में हुई। ट्रावणकोर राज्य परिवार के आगमन के समय महारानी ने अपनी सुसंस्कृति तथा सजीवता का बहुत अधिक परिचय दिया। उनको मलयालम, तमिल तथा अंग्रेजी भाषाओं का अच्छा अभ्यास था। अधिकतर प्रश्न महारानी ने किए थे। एक प्रश्न था, भक्त सृष्टि का क्या प्रयोजन है? महर्षि, इस प्रश्न को उठाना ही इसका प्रयोजन है। इस प्रश्न का उत्तर खोजो और अंततः आत्मा सहित सबके असली स्रोत ब्रह्म में स्थिर रहो। इस खोज की प्रक्रिया का आत्मा अनुसंधान में विलय होगा और खोज तभी समाप्त होगी जबकि अनात्मा विलीन हो जाए एवं शुद्ध एवं दिव्य आत्मा की अनुभूति हो जाए। भक्त, खोज कैसे आरंभ करें? महर्षि, आत्मा सबको स्पष्ट है तथा प्रारंभ भी उसी प्रकार स्पष्ट है। भक्त, प्रगति की जो मेरी अवस्था है उसमें प्रारंभ कहाँ से हो? महर्षि, प्रत्येक व्यक्ति
उपासना तथा जप का कोई अभ्यास करता है, यदि उसमें पूर्ण निष्ठा एवं धैर्य के साथ निरंतर लगा रहेगा तो उसे आत्मा की खोज स्वतः ही हो जाएगी। इस वार्तालाप का लेखक उपस्थित नहीं था। उपरोक्त विवरण श्री महर्षि के एक परिचारक से प्राप्त किया गया है। 21 मार्च 1937। बातचीत संख्या नंबर 375। मध्यम उम्र के एक कन्नड़ दर्शक ने अकर्म के संबंध में प्रश्न किया। महर्षि, अहंकार के नष्ट होने के बाद व्यक्ति जो भी कर्म करता है वह अकर्म है। बातचीत संख्या नंबर 376। एक विद्वान तेलुगु दर्शक जिसने श्री भगवान की प्रशंसा में एक भजन बनाया था, पढ़कर सुनाया तथा उसे उनके श्री चरणों में रखकर प्रणाम किया। कुछ समय के बाद उसने उपदेश की आकांक्षा प्रकट की। भक्त, महर्षि, उपदेश सारम में उपदेश का वर्णन है। भक्त, किंतु मौखिक तथा व्यक्तिगत उपदेश मूल्यवान है। महर्षि, यदि कोई नवीन तथा अब तक अज्ञात वस्तु हो तो उपदेश का औचित्य है। यहाँ मन को शांत करना एवं संकल्पों से मुक्त रहना है। भक्त, यह असंभव प्रतीत होता है। महर्षि, किंतु यथार्थतः यही सबकी मूल एवं नित्य अवस्था है। भक्त, हमारे दैनिक जीवन के व्यवहार में इसका अनुभव नहीं होता। महर्षि, दैनिक जीवन शाश्वत अवस्था से पृथक नहीं है। जब तक दैनिक जीवन को आध्यात्मिक जीवन से भिन्न माना जाएगा, यह कठिनाइयां उदय होंगी। यदि आध्यात्मिक जीवन को यथार्थतः समझ लिया जाए तो व्यावहारिक जीवन इससे भिन्न नहीं दिखेगा। क्या मन को दृश्य वस्तु मानकर मन द्वारा उसको प्राप्त किया जा सकता है? मानसिक क्रिया के स्रोत को खोजकर उसे प्राप्त करना चाहिए। यही सत्य है। संकल्पों के विघन के कारण व्यक्ति आत्मा को नहीं जानता। जब संकल्पों का शमन हो जाता है तब आत्मा की अनुभूति होती है। भक्त, कोई विरला ही लाखों में एक साधनाओं की पूर्णता तक उसमें लगा रहता है। गीता पाठ 7 श्लोक 3। महर्षि, जब भी चंचल मन इधर उधर भागे उसी अक्षण वही उसे रोको और संयम में करो। गीता पाठ 6 श्लोक 26। उपनिषदों का कथन है, मन सा मन आलोक्य, मन का मन द्वारा दर्शन। भक्त, क्या मन उपाधि है? महर्षि, हाँ। भक्त, क्या दृश्य जगत सत्य है? महर्षि, यह उतने ही अंश में सत्य है जितना कि दृष्टा। दृष्टा दृश्य तथा दृष्टि की त्रिपुटी है। सत्य इन तीनों से परे है। यह उदय होते हैं तथा विलीन होते हैं, जबकि सत्य नित्य है। भक्त, यह त्रिपुटी संभाव केवल अस्थाई है। महर्षि, हाँ। यदि सांसारिक कार्यों में भी आत्मा का अनुभव करोगे तो त्रिपुटी का अस्तित्व नहीं दिखेगा। वास्तव में वे आत्मा से पृथक नहीं किए जा सकते हैं और वे एक ही समय विद्यमान होंगे। 22 मार्च 1937। बातचीत संख्या नंबर 377।
मध्यम आयु के एक आंध्र निवासी दर्शक ने प्रश्न किया, मनुष्य को दिव्य माना गया है, फिर उसे अक्षोभ क्यों होता है? महर्षि, दिव्य तो वास्तविक स्वरूप का सूचक है, अक्षोभ प्रकृति का है। भक्त, अक्षोभों पर विजय कैसे प्राप्त की जाए? महर्षि, स्वयं में विद्यमान दिव्यत्व को अनुभव कर। भक्त, किस प्रकार? महर्षि, अभ्यास से। भक्त, किस प्रकार का अभ्यास? महर्षि, ध्यान। भक्त, ध्यान करते समय मन स्थिर नहीं होता। महर्षि, यह अभ्यास से ठीक हो जाएगा। भक्त, मन को स्थिर किस प्रकार करें? महर्षि, उसे भक्त शक्तिशाली बनाकर। भक्त, उसे शक्तिशाली कैसे बनाएं? महर्षि, सत्संग से वह शक्तिशाली होता है। भक्त, क्या प्रार्थना आदि की आवश्यकता है? महर्षि, हाँ। भक्त, जो अक्षोभ रहित हो उसके लिए क्या निर्देश है? महर्षि, वह पूर्ण योगी है, उसके बारे में कोई प्रश्न नहीं। भक्त, लोग भूकंप अकाल आदि विपदाओं के उदाहरण देकर ईश्वर का खंडन करते हैं, हम उनके इस तर्क का कैसे समाधान करें? महर्षि, उन तर्क करने वालों का आगमन कहाँ से हुआ? भक्त, वे कहते हैं प्रकृति। महर्षि, कुछ उसको प्रकृति कहते हैं, दूसरे ईश्वर। भक्त, क्या संकट काल के लिए कुछ संग्रह कर सकते हैं, अथवा आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए संकट ग्रस्त जीवन व्यतीत करें? महर्षि, परमात्मा प्रत्येक वस्तु की देखभाल करता है। 27 मार्च 1937, बातचीत संख्या नंबर 378, आंध्रवासी दर्शक से वार्ता के मध्य श्री भगवान ने भगवत गीता के 6 अध्याय का 35वां श्लोक उद्धृत किया। असंशयम् महाबाहो मनो दुर्निग्रहम् चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, मन अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है, इसलिए इसको अवश्य वश में करना चाहिए। वैराग्य को स्पष्ट करते हुए श्री भगवान ने पुनः उद्धृत किया, संकल्प पर भुवान कामांस त्वेक्त्वा सर्वान् वशेषतः मन सेवई इंद्रिय संग्रामं विनियम्यं संमन्ततः। 6 पाठ 24वां मंत्र। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निःशेषता से अर्थात वासना और आसक्ति सहित त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से अच्छी प्रकार वश में करे। अभ्यास पर सैनई सैनई रूपर्म भेद बुद्धया धरती गृहीतया आत्म संस्थम मन कृत्वा ने किंचित भी चिंतियेत। कर्म कर्म से अभ्यास करता हुआ उपरामता को प्राप्त हो तथा धर्म युक्त धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवाय और कुछ भी चिंतन न करे। ज्ञान पर यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम तदातम नेव वशम नयेत। गीता 6 पाठ 26वां मंत्र। परंतु जिसका मन वश में नहीं हुआ हो, उसको चाहिए कि यह स्थिर न रहने वाला
और चंचल मन जिस जिस कारण से सांसारिक पदार्थों में विचरता है उस से रोककर बारंबार परमात्मा में ही निरोध करे। 2 अप्रैल 1937। बातचीत संख्या नंबर 379। एक मलयाली सज्जन नीलंबोर के श्री तिरुमलपाद ने आत्म विद्या का अर्थ पूछा। महर्षि श्री भगवान ने 5 अक्षरों की इस संक्षिप्त रचना का अर्थ इस प्रकार बताया। चिदम्बरम नंदनार के नाम से संबंध प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। नंदनार ने अपनी काव्य रचना में आत्म विद्या की प्राप्ति को अत्यंत कठिन बताया है। मुरुगनार श्री भगवान के पुराने भक्त ने भिन्न मत व्यक्त करते हुए आत्म विद्या की उपलब्धि को सर्वाधिक सुलभ बताया। भजन की प्रमुख विषय वस्तु है आइये अति सुलभम। इस असाधारण कथन को स्पष्ट करते हुए उनका तर्क है कि आत्मा स्वयं होने के कारण साधारण से व्यक्ति को भी नित्य स्पष्ट है। मूल वक्तव्य एवं बाद के तर्क में समन्वय नहीं है, क्योंकि आत्मा समस्त जीवों का आधार तथा स्पष्ट होने के कारण उसकी उपलब्धि की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। स्वभावतया इस विषय का आगे निरूपण न कर पा सकने के कारण लेखक ने अपनी बनाई 4 पंक्तियां श्री भगवान के समक्ष उनकी पूर्ति हेतु रख दी। श्री भगवान ने शिष्य के कथन के सत्य को स्वीकार किया तथा स्पष्ट किया कि यद्यपि आत्मा स्पष्ट है तथापि गुप्त क्यों है। यह आत्मा का देह आदि से मिथ्या तादात्म्यता के कारण है। भक्त इस मिथ्या तादात्म्यता का कैसे उदय हुआ। महर्षि संकल्पों के कारण। यदि संकल्पों का नाश हो जाए तो वास्तविक आत्मा स्वतः ही प्रकाशित होगी। भक्त इन संकल्पों का नाश किस प्रकार हो। महर्षि उनके आधार को खोजो। समस्त संकल्प केवल अहम भाव में गुथे हुए हैं, इसको नष्ट कर दो से सब नष्ट हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आत्मा को तो नहीं जाना पर सब कुछ जान लिया, इसका कोई भी लाभ नहीं है। यदि आत्मा को जान लिया तो सब कुछ जान लिया। इसलिए आत्म साक्षात्कार ही मनुष्य का मुख्य एवं एकमात्र कर्तव्य है। भक्त अहम भाव को कैसे नष्ट करें। महर्षि यदि इसके स्रोत की खोज करोगे तो यह उदय नहीं होगा और इस प्रकार यह नष्ट हो जाएगा। भक्त स्रोत को कहां तथा किस प्रकार खोजें। महर्षि वस्तुतः चेतना ही व्यक्तियों का भिन्न भिन्न प्रकार से कार्य करने के योग्य बनाती है। शुद्ध चैतन्य ही आत्मा है। आत्मा की अनुभूति के केवल शांत होना है। भक्त इससे सुलभ और क्या होगा। महर्षि इस प्रकार आत्म विद्या की उपलब्धि सर्वाधिक सुलभ है। बातचीत संख्या नंबर 380। एक यूरोपवासी सज्जन ने पूछा, तुम कौन हो। इस प्रश्न का उत्तर आप किस प्रकार देते हैं। महर्षि स्वयं से प्रश्न करो, मैं कौन हूँ। भक्त कृपा कर मुझे बताएं, आपने इसका अनुभव किस प्रकार किया। मैं स्वयं यह मालूम नहीं कर पाऊंगा। मैं जीव विज्ञान की शक्तियों का परिणाम है। अंत में मौन हो जाना पड़ता है। मैं जानना चाहता हूँ महर्षि इसे किस प्रकार अनुभव करते हैं। महर्षि
क्या इसे केवल तर्क द्वारा पाया जाता है? वैज्ञानिक विश्लेषण बुद्धि के कारण होता है। भक्त, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस के अनुसार प्रकृति कीड़े अथवा मनुष्य के बीच कोई भी भेद नहीं करती। महर्षि, प्रकृति क्या है? भक्त, यह वह है जिसका अस्तित्व है। महर्षि, अस्तित्व को तुम कैसे जानते हो? भक्त, अपनी इंद्रियों द्वारा। महर्षि, अपनी से तात्पर्य है तुम्हारा अस्तित्व, परंतु तुम दूसरे के अस्तित्व के बारे में कह रहे हो। अपनी इंद्रियां कहने के लिए तुम्हारा होना आवश्यक है, बिना मैं के मेरा नहीं हो सकता। भक्त, मैं एक साधारण जीव हूँ, आप महान गुरु हैं, मैं आपसे पूछने के लिए आया हूँ, यह अस्तित्व क्या वस्तु है? अस्तित्व शब्द में कोई विशेष महत्व नहीं है, उसका अस्तित्व है, मेरा अस्तित्व है, दूसरों का अस्तित्व है, उससे क्या? महर्षि, किसी के भी अस्तित्व को तथ्य रूप में मान लेने से तुम्हारा स्वयं का अस्तित्व प्रकट होता है, अस्तित्व तुम्हारा स्वरूप है। भक्त, किसी भी वस्तु के अस्तित्व के होने में क्या आश्चर्य है? महर्षि, अपने स्वयं के अस्तित्व की अपेक्षा अन्य वस्तु के अस्तित्व का ज्ञान तुम्हें कैसे होता है? भक्त, किसी वस्तु के अस्तित्व के होने में क्या नई बात है? मैं आपकी पुस्तक में पढ़ता हूँ कि जीव को अपने आप से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि मैं कौन हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कौन हैं? मेरा अपना उत्तर मेरे पास है। यदि दूसरा भी यही कहे और लाखों व्यक्ति भी ये ऐसा ही कहें, तो आत्मा की संभावना होती है। मैं प्रश्न का स्पष्ट उत्तर चाहता हूँ, केवल शब्द जाल नहीं। महर्षि, इस प्रकार तुम केवल उत्तम संभावनाओं के अक्षेत्र में ही भ्रमण कर रहे हो। भक्त, हाँ, निश्चयात्मक कुछ भी नहीं है, ईश्वर भी पूर्ण निश्चिंतता से प्रमाणित नहीं किया जा सकता। महर्षि, अभी ईश्वर को रहने दो, तुम क्या हो? भक्त, मैं आत्मा की पुष्टि चाहता हूँ। महर्षि, तुम दूसरों से पुष्टि करना चाहते हो, यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति को तुम कहकर संबोधित किया जाता है, वह स्वयं को मैं कहता है। पुष्टि केवल मैं से है, तुम कुछ भी नहीं है, सब मैं के अंतर्गत है। आत्मा को स्वीकार करने के पश्चात ही अन्य का जानना संभव है। दृष्टा के बिना अन्य का अस्तित्व नहीं है। भक्त, इसमें कुछ नया नहीं है। जब मैं सर सीवी रमन के साथ था, तब उन्होंने मुझे बताया था कि गंध का सिद्धांत उनके प्रकाश के सिद्धांत के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है। अब गंध को रसायन शास्त्र के आधार पर सिद्ध करना आवश्यक नहीं रहा। अब इसमें कुछ नया है, यह प्रगति है। जब मैं यह कहता हूँ कि उन समस्त व्यक्तियों में जो अब मैं सुन रहा हूँ कुछ नया नहीं है, मेरा यही अभिप्राय है। महर्षि, मैं कभी नया नहीं है, यह अनादि से वही है। भक्त, क्या आपका आशय यह है कि कुछ प्रगति नहीं है? महर्षि, प्रगति बहिर्मुख मन की अनुभूति है। मन को अंतर्मुख कर आत्मा खोज लेने पर सब कुछ शांत रहता है। भक्त, वैज्ञानिक विषयों का क्या होता है? महर्षि, वे सब आत्मा में लीन हो जाते हैं, आत्मा उनकी पूर्णता है।
संध्या के पांच गए थे, पांच बज गए थे। श्री भगवान कक्ष से चल दिए तथा वह सज्जन स्टेशन के लिए रवाना हो गया। बातचीत संख्या नंबर 381। बंगाली इंजीनियर श्री बोस ने आत्म विद्या के अंतिम श्लोक का आशय पूछा। श्री भगवान ने निम्न प्रकार स्पष्ट किया, महर्षि, जगत प्रतीत होता है, अनुभूति केवल दिखावटी है, इसको रहने के लिए स्थान तथा प्रकाश की आवश्यकता है। मन के उदय होने के साथ ही स्थान तथा प्रकाश उदय होता है। इस प्रकार भौतिक स्थिति तथा प्रकाश मानसिक स्थिति तथा प्रकाश का अंश है। मन भी पूर्ण नहीं है क्योंकि उसका उदय तथा अस्त होता रहता है। मन का अधिष्ठान आत्मा है जो प्रत्यक्ष है, अर्थात इसका अस्तित्व तथा स्वप्रकाश स्पष्ट है। यह पूर्ण चैतन्य है जो सुषुप्ति जागृत तथा स्वप्न में निरंतर विद्यमान रहता है। संसार में नानात्व है जो मन का कार्य है। मन प्रतिबिंबित प्रकाश से प्रकाशित होता है, अर्थात आत्मा के प्रतिबिंबित प्रकाश से जिस प्रकार चलचित्र का दर्शन कृत्रिम प्रकाश में ही संभव है, न कि प्रखर ज्योति अथवा घने अंधकार में, उसी प्रकार जगत के दृश्य पदार्थ अविद्या के अंधकार के माध्यम से आत्मा से प्रतिबिंबित प्रकाश में दृष्टि गोचर होते हैं। जगत ने तो शुद्ध अज्ञान जैसे सुषुप्ति में अथवा आत्म साक्षात्कार के शुद्ध प्रकाश में दृष्टि गोचर हो सकता है। अविद्या ही नानात्व का कारण है। इंजीनियर ने कहा, मैं केवल बुद्धि द्वारा समझा हूँ। महर्षि, कारण यह है कि अभी जागृत अवस्था में जब तुम वाद विवाद कर रहे हो तब तुम बुद्धि की पकड़ में हो। बाद में यह कहा गया कि साक्षात्कार करने के लिए अनुग्रह की आवश्यकता है। इंजीनियर ने जिज्ञासा की कि अनुग्रह किस प्रकार प्राप्त हो सकता है। महर्षि, अनुग्रह आत्मा ही है। अज्ञान के कारण अनुग्रह व्यक्त नहीं है, श्रद्धा द्वारा यह प्रकट होगा। श्रद्धा, अनुग्रह, प्रकाश, जीवात्मा सब आत्मा के पर्याय हैं। 5 अप्रैल 1937। बातचीत संख्या नंबर 382। शांत प्रतीत होने वाले किंतु दर्शन के एक विद्वान एक तेलुगु सज्जन ने मनोलय के संबंध में जिज्ञासा की। उन महाशय के हाथ में जो उपदेश सार की प्रति थी उसकी ओर संकेत करते हुए श्री भगवान ने कहा, इसमें सब कुछ है भक्त। मन क्या है? महर्षि, देखो यह क्या है भक्त। मन संकल्प विकल्प करता है। महर्षि, किसके संकल्प? भक्त, संकल्प मन का स्वभाव है। महर्षि, किसका संकल्प? भक्त, बाहरी दृश्यों का। महर्षि, ऐसा ही है। क्या वह तुम्हारा स्वरूप है? भक्त, वह मन का है। महर्षि, तुम्हारा स्वरूप क्या है? भक्त, शुद्ध चैतन्य। महर्षि, फिर तुम संकल्प आदि की क्यों चिंता करते हो? भक्त, यह स्वीकार किया जाता है कि मन चंचल तथा अस्थिर है। महर्षि, वहीं पर यह भी लिखा है कि मन को अंतर्मुख कर आत्मा में विलीन करना है। अभ्यास निरंतर तथा लंबे समय तक करना आवश्यक है, जब तक कि मन आत्मा में पूर्णतया विलीन न हो जाए। भक्त, में इसके लिए प्रसाद चाहता हूँ। महर्षि, प्रसाद तुम्हारे पास सदैव ही है। तुमको केवल इतना ही करना है कि तुम स्वयं को
मुखी मन से संयुक्त न कर आत्मा होकर रहो, यही प्रसाद है। उक्त सज्जन प्रणाम कर विदा हुए। बातचीत संख्या नंबर 383। स्वामी लोकेशानंद एक सन्यासी ने श्री भगवान से पूछा, क्या जीवन मुक्त के लिए भी प्रारब्ध है? महर्षि, प्रश्न करता कौन है? प्रश्न कहाँ से निकला? क्या जीवन मुक्त प्रश्न कर रहा है? भक्त, नहीं, मैं अभी तक मुक्त नहीं हुआ। महर्षि, तब जीवन मुक्त को अपने लिए प्रश्न क्यों नहीं करने देते? भक्त, संशय तो मेरा है। महर्षि, ठीक है, संशय अज्ञानी को होते हैं, ज्ञानी को नहीं। भक्त, अजातवाद, किसी भी नवीन वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती के समर्थन में श्री भगवान के स्पष्टीकरण निर्दोष हैं, किंतु क्या यह अन्य सिद्धांत वालों को भी स्वीकार हैं? महर्षि, अद्वैतवाद में तीन पद्धतियां हैं। एक, अजातवाद के अनुसार न हानि है, न सृष्टि, न कोई बद्ध है, न साधक, न कोई मोक्षाकांक्षी, न मोक्ष, यह सर्वोच्च सत्य है। मांडुक्यकारिका चैप्टर 2 श्लोक 32। इसके अनुसार केवल एक ही है और उसमें किसी विवाद को स्थान नहीं है। दूसरा, दृष्टि सृष्टिवाद का उदाहरण इस प्रकार है। एक साथ सृष्टि, दो मित्र पास पास सैन कर रहे हैं। उनमें से एक को स्वप्न आया कि वह अपने साथी के साथ बनारस जाकर वापस आ गया। वह अपने मित्र को बताता है कि दोनों बनारस हो आए। मित्र इसका खंडन करता है, कथन एक की दृष्टि से सत्य है तथा दूसरी की दृष्टि से असत्य। तीसरा, सृष्टि दृष्टिवाद, कर्मा अनुसार सृष्टि तथा उसका ज्ञान स्पष्ट है। कर्म को पहले के कर्म आदि माना गया है, प्रारब्ध, आगामी तथा संचित। इस हेतु कर्तृत्व तथा कर्ता आवश्यक है। कर्म देह के निमित्त संभव नहीं, क्योंकि देह जड़ है। देह के निमित्त तभी तक है जबकि देहात्मक बुद्धि विद्यमान है। देहात्म बुद्धि से परे होने पर मनुष्य ज्ञानी बन जाता है। उस विचार के बुद्धि के अभाव में न कर्तृत्व है न कर्ता, अतः ज्ञानी का कोई कर्म नहीं है, यह उसका अनुभव है, अन्यथा वह ज्ञानी नहीं है। तथापि अज्ञानी ज्ञानी को उसकी देह के साथ मिला देते हैं, जबकि ज्ञानी ऐसा नहीं करता। इसलिए अज्ञानी ज्ञानी को कर्म करते हुए देखता है, क्योंकि उसकी देह सक्रिय दृष्टि गोचर होती है। इस कारण वह प्रश्न करता है कि ज्ञानी प्रारब्ध से प्रभावित नहीं होता है। शास्त्रा अनुसार ज्ञान वह अग्नि है जो समस्त कर्मों को भस्म कर देती है। सर्व की व्याख्या दो प्रकार से की गई है, एक प्रारब्ध सहित तथा दो प्रारब्ध रहित। प्रथम आशय के अनुसार किसी व्यक्ति का देहांत हो गया हो तथा उसके तीन पत्नियां हो तो प्रश्न उठेगा, क्या उनमें से दो को तो विधवा की संज्ञा दी जा सकती है किंतु तीसरी को नहीं? सभी विधवा हैं। प्रारब्ध आगामी तथा संचित के साथ भी ऐसा ही है। जब कोई कर्ता नहीं है तो इनमें से कोई भी और अधिक टिक नहीं सकता। दूसरा स्पष्टीकरण प्रश्नकर्ता के संतोष हेतु दिया जाता है।
ऐसा कहा जाता है कि प्रारब्ध को अकेला छोड़कर समस्त कर्म दग्ध हो जाते हैं। देह जिन कर्मों के कारण उत्पन्न हुई है उनको करती रहती है, यही प्रारब्ध है। किंतु ज्ञानी के दृष्टिकोण से केवल आत्मा ही इन रूपों में प्रकट होती है। आत्मा से पृथक न देह है न कर्म, इसलिए कर्म उसे प्रभावित नहीं करते। भक्त, क्या ज्ञानी में देहात्म बुद्धि नहीं होती? उदाहरणार्थ यदि श्री भगवान को कोई कीड़ा काटे तो क्या उसकी अनुभूति नहीं होती? महर्षि, अनुभूति भी है तथा देहात्म बुद्धि भी है। ज्ञानी एवं अज्ञानी दोनों में देहात्म बुद्धि होते हुए भी यह अंतर है कि अज्ञानी अपने को केवल देह मानता है, देह अयव आत्मा, जबकि ज्ञानी के विचार में सब आत्मा का ही है, आत्मा मयम सर्वम, अथवा यह सब ब्रह्म है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। यदि पीड़ा हो तो हो, यह भी आत्मा का अंश है, आत्मा पूर्ण है। अब ज्ञानी के कर्म के विषय में वे केवल तथा कथित हैं, क्योंकि वे निष्फल हैं। सामान्यतया कर्म संस्कार बनकर व्यक्ति में अंतर्मूत हो जाते हैं। यह तभी तक होता है जब तक कि मन फलप्रद होता है। जैसे अज्ञानी को, ज्ञानी का मन केवल काल्पनिक है, वह पहले ही मन से परे हो चुका है। उसके दिखने वाले कर्मों के कारण उसके मन का केवल अनुमान ही संभव है। उसका मन अज्ञानी के मन की तरह फलप्रद नहीं है। इस कारण यह कहते हैं कि ज्ञानी का मन ब्रह्म है। वास्तव में ब्रह्म ज्ञानी के मन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। उस भूमि में वासनाएं फलप्रद नहीं हो सकती। उसका मन बंजर है, वासनाओं आदि से मुक्त है। तथापि चूंकि ज्ञानी का भी प्रारब्ध होना स्वीकार किया गया है, अतः वासनाओं का होना भी मानना होगा। यदि वे हैं तो वे केवल भोग हेतु हैं। आशय यह है कि वासनाएं दो प्रकार से फल देती हैं, एक फल भोगने हेतु तथा दूसरी भविष्य में होने वाले जन्मों में बाद में अभिव्यक्त होने के लिए मन पर संस्कार छोड़ जाती हैं। ज्ञानी का मन बंजर होने से कर्म के बीज को ग्रहण नहीं कर सकता। उसकी वासनाएं केवल भोग हेतु कर्मों में ही समाप्त हो जाती हैं। वास्तव में वह अज्ञानी की दृष्टि में ही कर्म करते दिखता है। वह कर्म रहित ही रहता है। उसे देह का आत्मा से पृथक होने का भान नहीं है। उसके लिए मुक्ति अथवा बंधन किस प्रकार हो सकता है? वह दोनों से परे है। वह न तो अभी कर्म से बंधा है, न कर्म हो कभी होगा। उसके अनुसार न कोई जीवन मुक्त है, न विदेही मुक्त। भक्त, इस सबसे ऐसा दिखता है कि वह ज्ञानी जिसने समस्त वासनाओं को भस्म कर दिया है, वह श्रेष्ठ है, एवं वह जड़ अथवा पाषाण के समान निष्क्रिय रहेगा। महर्षि, नहीं, यह आवश्यक नहीं। वासनाएं उसे प्रभावित नहीं करती। क्या यह स्वयं वासना ही नहीं है कि कोई जड़ अथवा पाषाण के समान रहता है? वह सहज अवस्था है। बातचीत संख्या नंबर 384। वार्ता में वासनाओं की चर्चा आई। श्री भगवान ने बताया कि सुवासनाएं तथा कुवासनाएं सहगामी हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती। इस प्रकार की वासनाओं की प्रधानता हो, यह हो सकता है।
सुवासनाएं बढ़ाई जाती हैं तथा अंततः उन्हें भी ज्ञान द्वारा नष्ट करना आवश्यक है। विलक्षण प्रतिभाशाली एक युवक की चर्चा की गई। श्री भगवान ने कहा, उसमें पूर्व जन्म के संस्कार प्रबल थे। भक्त विख्यात संतों को उद्धृत कर देने की योग्यता के रूप में वह किस प्रकार अभिव्यक्त होता है? क्या यह वासना केवल बीज रूप में है? महर्षि, हाँ, पूर्व अर्जित ज्ञान जो संग्रहित है उसे ही संस्कार कहते हैं। यह वह अनुकूल वातावरण में अभिव्यक्त होता है। प्रबल संस्कारवान व्यक्ति निर्बल संस्कार अथवा बिना संस्कार व्यक्ति की अपेक्षा विषय को अपने समक्ष आने पर शीघ्र ही समझा लेता है। भक्त, क्या यह बात आविष्कारकों के लिए भी इसी प्रकार है? महर्षि, जगत में कुछ भी नवीन नहीं है। जिन्हें हम आविष्कार अथवा खोज कहते हैं, वे विचाराधीन दिशा में प्रबल संस्कारवान समर्थ व्यक्तियों द्वारा केवल फिर से खोज करना है। भक्त, क्या न्यूटन आइंस्टीन आदि के साथ भी ऐसा ही है? महर्षि, हाँ ऐसा ही है। किंतु संस्कार कितने भी प्रबल क्यों न हो, मन के निश्चल एवं शांत हुए बिना अभिव्यक्त नहीं होंगे। यह सबके अनुभव की बात है कि स्मृति को जागृत करने के उसके प्रयास सफल नहीं होते, परंतु जब वह शांत एवं निश्चल है तथा मन में कुछ चमक होती है, भूली हुई वस्तुओं के स्मरण करने के लिए भी मन का शांत होने आवश्यक है। तथा कथित प्रतिभा वह है जो व्यक्ति द्वारा पूर्व जन्मों में कठिन परिश्रम से ज्ञान का अर्जन कर संस्कार के रूप में संचित की हुई है। अब वह अपने मन को एकाग्र करता है जब तक कि वह उस विषय में विलीन न हो जाए। उस निश्चलता में विलीन हुए विचार बाहर प्रकाशित होते हैं। इसके लिए अनुकूल परिस्थितियों की भी आवश्यकता है। 6 अप्रैल 1937, बातचीत संख्या नंबर 385। वार्ता के मध्य एक आंध्रवासी सज्जन श्री वेंकट राव से श्री भगवान ने कहा, जब तक तुम ज्ञान प्राप्त न कर लो, तुम ज्ञानी की अवस्था नहीं जान सकते हो। ईश्वर के कार्य एवं शेष के संबंध में प्रश्न पूछने से कोई लाभ नहीं है। कुछ व्यक्ति प्रश्न करते हैं कि दारुक वन में शिव ने विवस्त्र प्रवेश कर ऋषि पत्नियों का सती तव नष्ट क्यों किया? जिन पुराणों में इस कथा का वर्णन है, उन्हीं में दूध के समुद्र मंथन के अवसर पर देवताओं एवं संसार की रक्षा हेतु शिव के हलाहल विस्पान की कथा का भी वर्णन है, जिसने हलाहल विष से जगत की रक्षा की तथा ऋषियों का उद्धार किया। वही उनकी स्त्रियों में नग्न विचरण करते हैं। उनके कार्य सामान्य बुद्धिजीवियों के लिए अबोध्य हैं। ज्ञानी अथवा ईश्वर को जानने के लिए ज्ञानी होना आवश्यक है। भक्त, क्या हमें ज्ञानी का व्यवहार सीखकर उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए? महर्षि, इससे कोई लाभ नहीं। वासनाएं 4 प्रकार की हैं, एक शुद्ध, दूसरी मलिन, तीसरी मध्य तथा चौथी सत्य। यह ज्ञानियों के वरिष्ठ वरीय वर तथा वित्त के अनुसार हैं। इनके फल 3 प्रकार से प्राप्त किए जाते हैं, एक स्वेच्छा, दूसरा परिच्छा, तीसरा अनिच्छा। ज्ञानियों में गौतम, व्यास, शुक तथा जनक हुए हैं। भक्त, क्या व्यास भी ज्ञानी थे? महर्षि, हाँ निश्चय ही।
भक्त तब फिर स्नान करती हुई दिव्य लोक की सुंदरियों ने व्यास के अपने सामने उपस्थित होने पर वस्त्र क्यों धारण कर लिए, जबकि शुक के आगमन पर ऐसा नहीं किया? महर्षि, उन्हीं व्यास ने शुक को जनक के पास उपदेश प्राप्त करने हेतु भेजा था। जनक ने शुक की परीक्षा की तथा अंततः व्यास की महानता से संतुष्ट होकर शुक ने वहां से प्रस्थान किया। भक्त, क्या ज्ञान तथा अरुधा तमिल शब्द एक ही हैं? महर्षि, ऐसा ही है। भक्त, भक्ति तथा ज्ञान में क्या संबंध है? महर्षि, शाश्वत अखंड सहज अवस्था ज्ञान है। क्या इसमें आत्मा प्रेम ध्वनित नहीं होता? क्या यह भक्ति नहीं है? भक्त, मूर्ति पूजा उत्तम प्रतीत नहीं होती। इस्लाम धर्मानुलंबी निराकार परमात्मा की उपासना करते हैं। महर्षि, उनकी ईश्वर की कल्पना क्या है? भक्त, जैसे सर्वव्यापिता आदि। महर्षि, तब क्या ईश्वर गुणों से युक्त नहीं है? आकार केवल एक प्रकार का गुण है। बिना किसी भावना के कोई ईश्वरारोपना कर ही नहीं सकता। किसी भावना से ईश्वर के सगुण होने का आधार बनता है। इसके अतिरिक्त ईश्वर के साकार अथवा निराकार होने की बहस से क्या लाभ? यह मालूम करो कि तुम्हारा कोई आकार है, तभी तुम ईश्वर को समझ पाओगे। भक्त, में स्वीकार करता हूँ मेरा कोई आकार नहीं है। महर्षि, ठीक, सुषुप्ति में तुम्हारा कोई आकार नहीं है, किंतु जागृति में तुम स्वयं की एक आकार से तादात्म्यता कर लेते हो। देखो, तुम्हारी वास्तविक अवस्था कौन सी है? खोज से वह अवस्था आकार रहित प्रतीत होगी। यदि तुम अपने ज्ञान द्वारा अपने आत्मा को निराकार जान लेते हो, तो क्या तुमको ईश्वर को भी उतना ही ज्ञानी मानकर उसे आकार रहित नहीं मान लेना चाहिए? भक्त, किंतु ईश्वर के लिए जगत है। महर्षि, जगत कैसे भासित होता है, हम कैसे हैं, यह जान लेने पर तुम ईश्वर को जानोगे। तुम जानोगे कि वह शिव है अथवा विष्णु है अथवा अन्य कोई अथवा समस्त एक साथ। भक्त, क्या वैकुंठ परम पद में है? महर्षि, यदि वैकुंठ अथवा परम पद तुम में नहीं है तो फिर कहाँ है? भक्त, वैकुंठ आदि अनिच्छा से भासित होते हैं। महर्षि, क्या यह जगत स्वतः भासित होता है? प्रश्न कर्ता ने कोई उत्तर नहीं दिया। महर्षि, प्रत्यक्ष में आत्मा की उपेक्षा कर अनात्मा की खोज करता फिरता है, कितना अयुक्त है। भक्त, यह सांख्य योग है। यह समस्त दूसरे योगों का शिखर होने से इसे प्रारंभ करना यह कैसे समझ में आ सकता है? क्या भक्ति इससे पहले नहीं है? महर्षि, क्या श्री कृष्ण ने गीता का प्रारंभ सांख्य से नहीं किया? महर्षि, हाँ, अब मैं समझा। बातचीत संख्या नंबर 386। भगत, श्री राम कृष्ण के जीवन चरित्र में वर्णन आया है कि राम लाल की प्रतिमा सजीव थी, क्या यह सत्य है? महर्षि, क्या तुम इस देह के सजीव होने का कारण बता सकते हो? क्या मूर्ति का संचलन देह के संचलन की अपेक्षा अधिक रहस्यमय है? भक्त, धातु शब्द है चलायमान होने में समर्थ नहीं। महर्षि, क्या देह शव नहीं है? तुम कदाचित शव के चलायमान होने पर उसे रहस्यपूर्ण मानोगे, क्या यह ऐसा ही है? बातचीत संख्या नंबर 387। तीन सज्जन थोड़े समय के लिए दर्शन हेतु आए।
उनमें से सबसे बड़े ने जिज्ञासा की, उपनिषदों में सृष्टि की प्रक्रिया का वर्णन कुछ और है एवं पुराणों में दूसरा है, उनमें से कौन सा सत्य है? महर्षि, वे अनेक हैं तथा उनका अभिप्राय यह बताना है कि सृष्टि का कारण है तथा सृष्टिकर्ता को सत्य मानना आवश्यक है जिससे कि जीव कारण की खोज करे। महत्व सिद्धांत के उद्देश्य पर है न कि सृष्टि की प्रक्रिया पर। इसके अतिरिक्त सृष्टि किसी के द्वारा अनुभव की जाती है, दृष्टा के बिना दृश्य नहीं होते। अर्थात दृश्य आकर तुमसे यह नहीं कहते कि वे हैं, किंतु वह तुम ही हो जो यह कहते हो कि दृश्य हैं। इस प्रकार दृश्यों का अस्तित्व दृष्टा के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। दृष्टा से स्वतंत्र उनका कोई अस्तित्व नहीं है। यह मालूम करो कि तुम क्या हो और तब तुम समझना कि संसार क्या है। सिद्धांत का यही अभिप्राय है। भक्त केवल आत्मा का एक छोटा अणु है, जबकि सृष्टि इतनी विशाल है। हम इसका अनुमान कैसे कर सकते हैं? महर्षि, अणु विशाल सृष्टि का वर्णन करता है, इसमें रूप धभास कहाँ है? बातचीत संख्या नंबर 388। तदुपरांत श्री भगवान ने कहा, धार्मिक एवं वैज्ञानिक सिद्धांत अनेक हैं, क्या वे किसी सृष्टि कारण सिद्धांत पर पहुंचे हैं? यह संभव ही नहीं है। ब्रह्म को सूक्ष्मतम से भी सूक्ष्म, महानतम से भी महान कहा गया है। अणु एक अनंत सूक्ष्म कण है, इसका परिणाम है सूक्ष्म अनुभूति। यह अति सूक्ष्मता सूक्ष्म शरीर अथवा मन की है। मन से परे आत्मा है। बड़ी से बड़ी वस्तु भी कल्पना ही है, कल्पनाएं मन की हैं, मन से परे आत्मा है। इस प्रकार आत्मा सूक्ष्मतम से भी सूक्ष्म है। सृष्टि के उत्पन्न होने के कितने भी सिद्धांत हों, उन सब का विस्तार बाहर ही है, इनका कोई सीमा नहीं है। क्योंकि देश एवं काल असीमित हैं, तथापि वे केवल मन में हैं। मन को देखो, देश एवं काल से परे हो जाओ और आत्मा की अनुभूति होगी। सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन वैज्ञानिक ढंग से अथवा तर्क पूर्वक अपने निज के संतोष के लिए किया जाता है, परंतु क्या इसके बारे में कोई अंतिम निष्कर्ष है? इस प्रकार के सिद्धांत कर्म सृष्टि कहे गए हैं। इसके विपरीत दृष्टि सृष्टि को युगपद सृष्टि कहा गया है। दृष्टा के बिना दृश्य नहीं दिखते हैं। दृष्टा को जान लो, सृष्टि उसमें समाविष्ट है। बाहर क्यों देखते हो और बाहरी दृश्यों को वर्णन करते रहते हो जिनका कोई अंत नहीं है? बातचीत संख्या नंबर 389। श्री भगवान को भेंट प्रेजेंट्स के संबंध में वे कहने लगे, वे भेंट क्यों लाते हैं? क्या मुझे उनकी इच्छा है? मेरे अस्वीकार करने पर भी वे मुझे आग्रह पूर्वक भेंट अर्पित करते हैं, किसके लिए? यदि मैं उन्हें स्वीकार कर लूं तो मुझे उनकी इच्छाओं के समक्ष झुकना होगा। यह मछली को पकड़ने के लिए उसे दाना देने के समान है। क्या मछली मार मछली को भोजन कराने का इच्छुक है? वास्तव में वह मछली से ही भोजन प्राप्त करने का इच्छुक है। एक सन्यासी स्वामी लोकेशानंद ने पूछा, ज्ञान तथा विज्ञान से क्या आशय है? महर्षि,
संदर्भ के अनुसार इन शब्दों के अर्थ भिन्न हो सकते हैं। ज्ञान का मतलब सामान्य ज्ञान अथवा शुद्ध चैतन्य, विज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान विशेष। नंबर एक, सांसारिक सापेक्ष ज्ञान भी हो सकता है। दूसरा, अनुभव अतीत आत्म साक्षात्कार, विशेष हेतु मन की आवश्यकता है। यह पूर्ण चैतन्य की शुद्धता का रूप भेद करता है। इस प्रकार विज्ञान बुद्धि तथा उसके कोष अर्थात सापेक्ष ज्ञान का निरूपण करता है। उस स्थिति में ज्ञान सामान्य है जो भिन्न ज्ञान वृत्तियां विज्ञान संज्ञान प्रज्ञान अज्ञान मति धृति में निरंतर हैं। संदर्भ ऐत्रोपनिषद तृतीय अध्याय अथवा ज्ञान परोक्ष है तथा विज्ञान अपरोक्ष है। व्यक्ति ज्ञान तथा विज्ञान से पूर्णतया संतुष्ट है। जिस प्रकार ज्ञान तथा विज्ञान तृप्तात्मा में भक्त ब्रह्म तथा ईश्वर में क्या संबंध है? महर्षि ब्रह्म को जगत के संदर्भ में ईश्वर कहा जाता है। भक्त, जिस प्रकार श्री रामकृष्ण परमहंस ईश्वर से बातें करते थे, क्या उस प्रकार बातें करना संभव है? महर्षि, जब हम एक दूसरे से वार्ता कर सकते हैं तो हम ईश्वर से उसी प्रकार बात क्यों नहीं कर सकते? भक्त, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता? भक्त, महर्षि, इसके लिए मन की शुद्धता एवं शक्ति तथा ध्यान का अभ्यास आवश्यक है। भक्त, उपरोक्त अवस्थाएं होने पर क्या ईश्वर प्रकट होता है? महर्षि, ऐसी अभिव्यक्ति उतनी ही सत्य है जितनी कि तुम्हारी स्वयं की सत्यता। दूसरे शब्दों में, जब तुम स्वयं को देह मानते हो, जैसे जागृति में तुम स्थूल पदार्थ देखते हो, जब सूक्ष्म शरीर अथवा मानसिक स्तर पर रहते हो, जैसे स्वप्न में तुम वैसे ही सूक्ष्म पदार्थ देखते हो, देह से तादात्म्यता के अभाव में जैसे सुषुप्ति में तुम कुछ भी नहीं देखते। जो दृश्य देखते हैं उनका संबंध दृष्टा की अवस्था से है। ईश्वर के दर्शनों के संबंध में भी ऐसा ही है। पर्याप्त अभ्यास के बाद ईश्वर का आकार जिस पर ध्यान किया जाता है स्वप्न में देखता है तथा बाद में जागृत में भी देख सकता है। भक्त, क्या ईश्वर साक्षात्कार की यही अवस्था है? महर्षि, वर्षों पूर्व जो एक घटना हुई उसे सुनो। नामदेवक नामक एक संत हुए हैं। वे विठोबा के दर्शन उनके साथ वार्ता एवं क्रीड़ा उसी प्रकार करते थे जिस प्रकार हम आपस में एक दूसरे से करते हैं। वे अपना अधिकतर समय मंदिर में विठोबा के साथ खेलने में व्यतीत किया करते थे। एक अवसर पर बहुत से संत एकत्रित हुए, जिनमें अत्यंत प्रसिद्ध एवं श्रेष्ठ महात्मा ज्ञानदेव भी थे। ज्ञानदेव ने संत गोरा कुम्हार को उनकी पकी मिट्टी के पात्र की परीक्षा करने की योग्यता के आधार पर आगंतुक संतों की पकी हुई मिट्टी के परीक्षण का निर्देश दिया। विनोद के भाव से गोरा कुम्हार ने अपनी छड़ी प्रत्येक के सर पर जैसे परीक्षण कर रहे हों कोमलता पूर्वक लगाई। जब वे नामदेव के समीप आए तो उन्होंने क्रुद्ध होकर रोध प्रकट किया। सब व्यक्ति हंसने लगे तथा व्यंग करने लगे। नामदेव क्रुद्ध हो मंदिर में विठोबा के समीप आए। विठोबा ने उत्तर दिया कि संतों का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। इस आकस्मिक उत्तर से नामदेव को और अधिक अक्षोभ हुआ।
उन्होंने कहा, आप परमेश्वर हैं, मैं आपके साथ वार्तालाप करता तथा खेलता हूँ। क्या मनुष्य इससे भी कुछ अधिक प्राप्त कर सकता है? विठोबा दृढ़ रहे, संत जानते हैं। नामदेव, यदि आपसे भी कोई अधिक रियल वास्तविक हो तो बताने की कृपा करें। विठोबा, हम आपस में इतने घनिष्ठ मित्र हैं कि मेरी सलाह तुम्हें आवश्यक रूप से प्रभावित नहीं करेगी। वन में भिक्षु संत के दर्शन करो तथा सत्य को जानो। इस प्रकार नामदेव विठोबा निर्दिष्ट संत से मिले। क्योंकि संत नग्न एवं मलिन थे तथा भूमि पर लेटे हुए लिंग पर चरण रखे थे, नामदेव उनकी पवित्रता से प्रभावित नहीं हुए। नामदेव को आश्चर्य हुआ कि यह संत किस प्रकार हो सकता है। इसके विपरीत संत ने नामदेव से मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हें विठोबा ने यहाँ भेजा है? नामदेव को इससे बहुत आश्चर्य हुआ तथा उनमें संत की महानता के प्रति अधिक आस्था उत्पन्न हुई। इसलिए नामदेव ने पूछा, आपको संत कहा जाता है, फिर आप लिंग को क्यों अपवित्र कर रहे हो? संत ने उत्तर दिया, वास्तव में मैं इतना वृद्ध तथा दुर्बल हूँ कि उचित कार्य कर नहीं पाता। कृपा मेरे पैरों को उठाकर ऐसी जगह रख दें जहाँ लिंग न हो। तदनुसार नामदेव ने संत के चरण उठाकर अन्य स्थान पर टिका दिया, किंतु उनके नीचे भी लिंग था। जहाँ पर भी चरण रखे गए वहाँ उसी समय तुरंत नीचे से लिंग प्रकट हुआ। अंत में नामदेव ने उनके चरण स्वयं अपने ऊपर रख लिए तो वे भी लिंग बन गए। तब नामदेव को यह बोध हुआ कि परमात्मा सर्वव्यापी है तथा इस सत्य को जानकर वे वहां से विदा हुए। घर आकर वे कई दिन तक देव मंदिर नहीं गए। अब विठोबा ने स्वयं उनके घर जाकर उनसे पूछा कि अब वे देव मंदिर में परमेश्वर के दर्शन करने क्यों नहीं जाते? नामदेव का उत्तर था, क्या कोई स्थान ऐसा है जहां परमेश्वर न हो? कथा का आशय स्पष्ट है, ईश्वर के दर्शनों का स्थान आत्म साक्षात्कार की भूमिका से नीचे है। बातचीत संख्या नंबर 390। भक्त, जब मैं श्री भगवान की पुस्तकों का अध्ययन करता हूँ तो मुझे ज्ञात होता है कि साक्षात्कार की एक पद्धति अनुसंधान है। महर्षि, हाँ वह विचार है। भक्त, वह कैसे किया जाए? महर्षि, प्रश्नकर्ता को अपनी आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करना होगा। मैं हूँ ही साक्षात्कार है। साक्षात्कार की अवस्था तक निरंतर साधनारत रहना ही विचार है। विचार तथा साक्षात्कार एक ही हैं। भक्त, यह भ्रांति जनक है, मैं ध्यान किस पर करूं? महर्षि, ध्यान हेतु किसी दृश्य की आवश्यकता है, जबकि विचार में दृष्टा ही दृश्य नहीं, दृष्टा ही है दृश्य नहीं। विचार और ध्यान में यही अंतर है। भक्त, क्या साक्षात्कार की प्रभावशाली प्रक्रिया में ध्यान नहीं है? महर्षि, एक दृश्य पर एकाग्र होना ध्यान है। इसका उद्देश्य विभिन्न विचारों का निवारण कर मन को एक विचार पर टिकाना है और उसका भी साक्षात्कार से पूर्व लोप होना अत्यंत आवश्यक है। किंतु साक्षात्कार कोई नवीन वस्तु उपलब्ध करना नहीं है, यह पहले से ही है, किंतु संकल्पों के पर्दे से बाधित है। हमारे समस्त साधनों का उद्देश्य इस पर्दे को हटाना है, तब साक्षात्कार प्रकट होता है।
यदि वास्तविक जिज्ञासा को ध्यान का परामर्श दिया जाता है तो अनेक परामर्श से संतुष्ट होकर जा सकते हैं, किंतु उनमें से कुछ व्यक्ति उलटकर प्रश्न कर सकते हैं, क्या किसी दृश्य पर ध्यान करने वाला मैं कौन हूँ? ऐसे व्यक्ति को आत्मा को खोजने का निर्देश देना होता है। यही अंतिम निष्कर्ष है, यही विचार है। भक्त, क्या ध्यान के अभाव में विचार ही पर्याप्त होगा? महर्षि, विचार प्रक्रिया तथा लक्ष्य भी है। मैं हूँ लक्ष्य है तथा अंतिम सत्य भी। प्रयास सहित इस पर टिकना ही विचार है। जब यह स्वतः है तथा स्वाभाविक हो, यह साक्षात्कार है। बातचीत संख्या नंबर 391। उसी सन्यासी दर्शक स्वामी लोकेशानंद ने समाधि के संबंध में जिज्ञासा की। महर्षि, नंबर एक, सत्य पर टिकना समाधि है। दूसरा, प्रयास सहित सत्य पर टिकना सह विकल्प समाधि है। तीसरा, सत्य में विलीन हो जगत के बोध से रहित रहना निर्विकल्प समाधि है। चौथा, अज्ञान में विलीन हो जगत के बोध से रहित रहना सुषुप्ति है। सिर झुक जाता है जो समाधि में नहीं होता। पांचवा, असली शुद्ध सहज अवस्था में बिना प्रयास के रहना सहज निर्विकल्प समाधि है। भक्त, ऐसा कहा जाता है कि 21 दिन तक निर्विकल्प समाधि में रहने से देह निश्चय ही छूट जाती है। महर्षि, समाधि से तात्पर्य देह आत्म बुद्धि से परे होना है तथा देह का आत्मा से तादात्म्य होना पूर्व निश्चित है। कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति भी हैं जो 1000 वर्ष तक, इससे भी अधिक समय तक निर्विकल्प समाधि में निमग्न रहे हैं। बातचीत संख्या नंबर 392। स्वामी लोकेशानंद ने पुनः कुछ प्रश्न किए। भक्त, ऐसा मत है कि साक्षात्कार से पूर्व कुंडलिनी को जगाना आवश्यक है तथा उसकी जागृति देह को उष्णता प्राप्त करती प्रदान करती है, क्या ऐसा ही है? महर्षि, योगी उसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। यही भक्तों की भगवताकार वृत्ति तथा ज्ञानियों की ब्रह्माकार वृत्ति है। यह साक्षात्कार की प्रारंभिक आवश्यक अवस्था है। जो संवेदना उत्पन्न होती है उसे उष्ण कह सकते हैं। भक्त, कुंडलिनी को सर्प के आकार का कहते हैं, किंतु वृत्तियां ऐसी नहीं हो सकती। महर्षि, ज्ञान मार्ग की कुंडलिनी को हृदय कहते हैं, जिसका नाड़ियों के समूह सर्प के आकार एवं कमल की खली आदि के रूप में भी वर्णन किया गया है। भक्त, क्या यह हृदय वही है जो शारीरिक हृदय है? महर्षि, नहीं। श्री रमण गीता में इसको मैं भाव का मूल निर्धारित किया गया है। भक्त, परंतु मैंने पढ़ा है यह वृक्ष के दाहिनी ओर है। महर्षि, इस सब का आशय भावना को बल प्रदान करना है। षड चक्कर तथा अनेक अन्य अनेक आंतरिक तथा बाह्य लक्ष्यों के संबंध में पुस्तकें, हृदय का विवरण भी अनेक लक्ष्यों में से एक है, परंतु यह आवश्यक नहीं है। यह केवल मैं भाव का स्रोत है, यही अंतिम सत्य है। भक्त, क्या हम इसे अंतःकरणों का स्रोत मान सकते हैं? महर्षि, अंतःकरणों का वर्गीकरण 5 में किया गया है। नंबर 1 ज्ञान, नंबर 2 मन, नंबर 3 बुद्धि, नंबर 4 चित्त तथा नंबर 5 अहंकार। कुछ के अनुसार केवल बाद के 4 हैं, कुछ के मत से केवल 2 हैं, मन तथा अहंकार।
और भी मत हैं कि अंतःकरण केवल एक है जिसकी विभिन्न क्रियाएं उसे विभिन्न रूपों में भाषित कराती हैं और इसलिए उसके भिन्न नाम हैं। इस प्रकार हृदय अंतःकरणों का स्रोत है। इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नमस्ते, नमस्कार।